मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, इस समय सिर्फ भारत में नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर जो क्रांतिकारी कदम उठाया जा रहा है, उस सारे क्रांतिकारी कदम में अगर आप वुहान सिटी से प्रारंभ करेंगे जानने के लिए और आज तक की डेट में, तो लॉकडाउन के अलावा, क्वारंटाइन के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला है इनके पास कि हम इस महामारी से बच सकें। बड़े आश्चर्य की बात है। थोड़ा मैं इसके पीछे जाऊंगा अपनी भारतीयता के अंदर, तो जितने लोगों ने भारतीय परंपरा को, भारतीय सिद्धांत को, मतलब वैदिक सिद्धांत को, वैदिक परंपरा को, वैदिक ज्ञान को धता बताया, मूर्खों की किताब समझा, और इतना ही नहीं ये भी कहा कि यह तो पोगा पंथियों का एक पुलिंदा है, इसमें ऐसी कोई वैज्ञानिक पहलू नहीं छिपा हुआ है, लेकिन आज सबको समझ में आ रहा है कि वास्तव में हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में जो बातें साफ साफ शब्दों में बताई थी, जो व्यवस्था विकसित की थी, वह व्यवस्था करोड़ों साल से जीवित चली आ रही है, अरबों साल से, इतनी संख्या आप गिन सकते हो। हमारे यहाँ तो युग और युगांतर का अंतर है, हम आपकी भाषा में कर रहे हैं, आपके पास जो भी गणना करने का तरीका हो आप गणना कर लीजिए। और आपका जो आधुनिक विज्ञान है, जिसकी कुल उम्र मात्र 250-300 साल है, जितने में आप विकसित हुए, अपनी सभ्यता को विकसित किया, और अब आपकी कमर भी टूट रही है, आपके पास, आप कह रहे हो कि मेरे पास कोई वैक्सीन नहीं है, अभी कुछ दिन पहले WHO ने हाथ उठा दिया था कि मेरे पास किसी स्पेक्ट्रम की दवा नहीं है, क्योंकि मैंने सारे स्पेक्ट्रम मार्केट में उतार दिए हैं, अब केवल बचाव ही उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो वह उसका दृश्य सामने आ गया, कितनी बड़ी महामारी पैदा हुई, और इसका सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व से एक ही उपाय आ रही है कि अपने आप को बचाइए, अन्यथा हम कोई दवा नहीं दे सकते, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन अब आप सोचिए कि हमारे ऋषियों ने कितनी बढ़िया परंपरा बनाई थी, आपके भोजन से लेकर के, रहने से लेकर के, और आपकी दिनचर्या में, आपकी दिनचर्या के एक एक कदम में भारतीय विज्ञान डाला गया था। पारंपरिक परंपरा रही है कि हम कैसे अपने को प्रक्षालित करें, कैसे अपने की सपने की साफ सफाई करें, और हम कितना अधिक से अधिक एकांतवास करें, अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन को सुचारू और शुद्ध रूप से बनाए रखें। यह वायरस कोई नई चीज़ नहीं है, अभी आपको सारी सूचनाएं मिल चुकी हैं, मिल रही हैं कि यह हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में इसकी व्याख्या आ चुकी है, और निकटतम अभी आपका जो इसमें पंचांग चल रहा है उसमें हमारे विद्वानों ने बता दिया था कि यह महामारी इस देश से, इस जगह से, इस अवस्था से उभरेगी, जो पूरे देश को लीलने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन जैसे ही यह परिवर्तन होगा, जैसे ही देखिए आपके सामने आ रहा है नवरात्र, वह आपके लिए सबसे उत्तम काल आ रहा है, जिस समय संवत परिवर्तन होता है, इसे जो है ज्योतिष भाषा में बोलते हैं ऋतु संधि। ऋतु संधि पर इस तरह के प्रकोप आते हैं, क्योंकि दो संधियों के मिलन बिंदु पर, क्योंकि दोनों का ताप बदलता है, परिस्थिति बदलती है, पर्यावरण बदलता है, ऐसे में जीवाणुओं का जगना, उनका एक्टिवेट होना और उस पर प्रभाव डालना। COVID-19 यह नाम दिया है WHO ने, यह जो कोरोना वायरस है, मुख्य रूप से यह एक म्यूटेंट है। म्यूटेंट माने यह एक उत्परिवर्तित प्रजाति है, इसका कोई मूल, कोई मदर वायरस कोई और होगा, वह वहाँ से म्यूटेंट करके अपने नए रूप में आया हुआ है, और इसके पीछे कारण है कि इसको कहीं न कहीं कोई रासायनिक गतिविधि मिली होगी, इस जिस वुहान शहर से, जिस गंदगी से पैदा हुआ है, उस गंदगी में आप लोग पढ़ चुके हैं, आप जान चुके हैं कि वहाँ इतनी गंदगी थी, जहाँ मछलियों की मार्केट थी, चमगादड़ की मार्केट थी, एक पर एक लाशें जो है रखी गई थी, वहाँ कोई न कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है इसके मूल वायरस के अंदर, तो म्यूटेंट डेवलप हुआ है। और म्यूटेंट की खासियत ये है कि तमाम तरह की प्रजातियों को, अन्य प्रजातियों को भी अपने साथ पैदा करता है, और यह बहुत तेजी से अग्रेसिव होता है,
जैसे जैसे नई नए शरीर को पाएगा, नए स्थान को पाएगा, वह से वैसे अपनी गतिविधि को यह तेज करेगा। इसका प्रभाव मुख्य रूप से सबसे पहले मनुष्य पर जाता है। ये मुख्य रूप से वायरस को निर्जीव और सजीव दोनों की कड़ी में रखा गया है। यह न तो बैक्टीरिया है और न ही फंजाई है, यह दोनों के बीच का डीएनए है जो कि सजीव भी है और निर्जीव भी है। जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि निर्जीव का मतलब कि जिस सतह पर पड़ेगा 8 से 9 घंटे पड़ा रहेगा, इसकी कोई गतिविधि नहीं होगी, उसके बाद इसका लाइफ साइकिल समाप्त हो जाएगा निर्जीव की अवस्था में। लेकिन सजीव पर आते ही, जैसे ही इसको कोई सजीव सबस्ट्रेट मिलेगा, कोई सजीव आधार मिलेगा, उस आधार पर पाते ही यह डीएनए अपने आप को मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देगा और यह इतनी तेजी से ग्रो करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप दूर रहिए, आप एकांतवास करिए, आप अपने को बार बार प्रचालित करते रहिए ताकि इनकी समय सीमा समाप्त हो जाए और इनको कोई नया आधार न मिले। दूध के पैकेट पर, अखबार पर, आपके जो है दीवारों पर, आपके कुंडी पर, आपके हैंडल पर, जहाँ भी ये पाएगा उस समय यह निर्जीव अवस्था में रहेगा। और अब इसके उपाय की बात है, जैसे लगातार कहा जा रहा है, बड़े बड़े लोग जो है आके बता रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने हाथ को साबुन से प्रक्षालित करिए, अपने हाथ को एल्कोहल से साफ करिए। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है? इसके पीछे दो वैज्ञानिक कारण है। जब आप किसी भी सैनिटाइजर का यूज करते हैं तो वह बेसिकली एल्कोहल बेस होता है, उस एल्कोहल में OH ग्रुप है, वह OH ग्रुप जा करके इसके जो इसका जो कवर है डीएनए बना हुआ है, इसका जो प्रोटीन का कवर है, फैट का कवर है, उसको वह डिजॉल्व कर देता है। और यही प्रक्रिया साबुन में होती है। साबुन में दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है, एक हाइड्रोफोबिक है, एक हाइड्रोफिलिक है। तो जो ये दोनों आपस में जो मिल करके एक दूसरे को जा करके उस क्रिया को, उस डीएनए के इसके स्ट्रक्चर को जो कवर है आपके विषाणु का, उसको डिजॉल्व कर देगा। और कम से कम जो कहा गया है ना कि उसको आप 15 से 20 सेकंड तक अपने हाथ को पूरी तरह से धोइए और बार बार साफ करिए ताकि वह उसका जो वाल है, जो उसका कवर है जिसके अंदर उसका डीएनए रैप्ड है, वो जो है रप्चर करेगा, टूटेगा और ये अपनी साइकिल को समाप्त कर लेगा। तो इसके लिए जो सबसे सहज उपाय है कि आप अपने हाथ को धोते रहिए, छुआछूत से बचते रहिए। जिस छुआछूत को आपने भारत के माथे पर कलंक मढ़ा था, उसी छुआछूत से बचने के लिए आज आप नाना प्रकार के उपाय कर रहे हैं कि इनसे बचिए। छुआछूत को जो कहा गया था हमारे यहाँ, वो समय की मांग थी, स्वस्थ और स्वच्छ रखने की एक सरल विधि थी जिस पर कोई पैसे खर्च नहीं होते थे। बचाव के लिए आप दो काम कर सकते हैं, एक तो प्रक्षालन की प्रक्रिया जो आपको उसे दूर रखेगी, और दूसरा आप अपने अंदर की इम्यूनिटी को डेवलप करिए। कहा जा रहा है ना कि बूढ़ों पर ज़्यादा अटैक हो रहा है, जो 50 से ऊपर 60 से ऊपर है उन पर ज़्यादा अटैक हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है कमज़ोर हो रहा है। आपके भारत ने फिर आपको ये चीज़ सिखाई थी, ब्रह्मचर्य का पालन। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके अंदर की जो आंतरिक ऊर्जा है वह पूरी तरह से सक्रिय होती है और बाहर से आए हुए किसी भी आगंतुक से लड़ने को सक्षम होती है। इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य के पूरी पालन की बात कही गई है। दूसरा, जो आपको सस्ता उपाय बता दें, हमारे खास करके ग्रामीण बंधुओं को, जिनको कि कहीं कोई उपाय न दिख रहा हो, उनको जो है कोई प्रक्षालक न मिल रहा हो, उसमें पैसे खर्च करने की बात आती है, तो सामान्य रूप से आप अपने दरवाजे पर, अपने आसपास पे लगे हुए नीम के पेड़ से 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम नीम की पत्ती तोड़ लाइए। उस पत्ती को आप 1 लीटर पानी में उबालिए और तब तक उबालिए जब तक यह पानी आधा हो जाए, चौथाई हो जाए। उसे छान लीजिए। छान लेने के बाद उसे एक साफ पात्र में रख करके उसे अपने हाथ का प्रक्षालन करिए, अपने आसपास के जितनी वस्तुएं हैं जहाँ आपको लगता है उनका प्रक्षालन करिए, क्योंकि नीम के अंदर जो रसायन उपलब्ध हैं वो पूरी तरह से एंटीबैक्टीरियल हैं, एंटीफंगल हैं, एंटीवायरल हैं, एंटीबायोटिक हैं, जितनी प्रॉपर्टी कर सकते हैं उनके अंदर वो सारे गुण हैं। आपने धीरे धीरे नीम को ख़त्म करना शुरू किया और आपने लगाया क्या, रबर के प्लांट लगाए, अंग्रेजी प्लांट लगाए जिनके अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं है जो लड़ सके। अमेजन कंपनी आपको एक बड़ी अच्छी सुविधा दे रही है
अगर आप आदेश करेंगे तो यथाशीघ्र आपको फ्रेश नीम की दातुन उपलब्ध करा देगी। ये कितने हंसने का विषय है। अब हम जो है नीम की दातुन को खरीदेंगे जो है अमेजन से, वहाँ पैसा पेमेंट करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। और आप लहसुन खाइए, आप जो है जलोय पीजिए, ये सब चीज़ें आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा, क्योंकि लहसुन में जो शोध करके पाया गया है कि लहसुन में जिंक की मात्रा अधिक होती है, तो आपके फेफड़े पर इस वायरस को जाने से पहले वो रोक लेगा, समाप्त कर लेगा, उन पर उनकी गतिविधि को नहीं आने देगा, और इस तरह से आप उससे बच सकते हैं। और मात्र 15-20 दिन महीने की बात है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सामान्य होने के बाद यह जो संदेश जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर जीवन चाहिए, आपको अगर स्वस्थ चाहिए, तो आप भारतीय पद्धति की तरफ लौटिए और अपनी व्यवस्था को अपने देश के अनुसार, अपने काल के अनुसार करिए। आप विदेश से जा कर के वहाँ से कोई कैरियर बन कर के लेके मत आइए, जो कि आपके देश को लोगों परेशान कर। हम तो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। हमारी पहली यही अपील है कि जो सरकार जितने नियम बना रही है उसे आप स्वतः पालन करिए, और दूसरा जो हमने बताया भारतीय पद्धति से, उनका जो है लहसुन खाइए और गिलोय पीजिए, और आप जो है नीम की पत्ती का बना करके स्ट्रैक्ट उससे प्रक्षालन करिए, आपको मिलता है तो आप एल्कोहल से प्रक्षालन करिए, सैनिटाइजर यूज कर, जितना भी कर सकते हो आप अपने को शुद्ध रखिए, स्वस्थ रखिए, और सबसे बड़ी बात अपने अंदर वह आस्था जगाए रखिए, वह ताकत जगाए रखिए, ताकि आपके अंदर की बॉडी जो लड़ने के लिए तैयार है उस वायरस से, किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से, सिर्फ कोरोना ही नहीं, उसके अंदर वो क्षमता है। डरा विषाणु से मानव घरों में खौफ काटा है, डरा विषाणु से मानव घरों में खौफ काटा है, बजाकर हाथ और ताली अपना आभार बांटा है, बजाकर हाथ और ताली अपना आभार बांटा है। जगाओ अग्नि अंदर में, आपके अंदर एक अग्नि है और दूसरी अग्नि आपके ऊपर तप रही है, उसी पर हमारा जो है आपके तरफ संकेत है कि दोनों अग्नि को मिला करके कैसे आप जो है अपने इस महामारी से लड़ सकते हैं। जगाओ अग्नि अंतर में है तुम्हारा सूर्य तेरे साथ, जगाओ अग्नि अंतर में है तुम्हारा सूर्य तेरे साथ, भगाओ भय तू अंदर से है हमारा हाथ तेरे साथ। कि आप इन सारे नियमों का पालन करिए और यथाशीघ्र देश को, विश्व को, अपने को सुरक्षित करिए, संरक्षित करिए, ताकि आपका अगला जीवन, सब कुछ जीवन मंगलमय हो और हम फिर एक सामान्य दिनचर्या की ओर लौट सकें।